हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से या अपना राशन लेते समय आपका फिंगर काम नहीं करता हो तो उस पीरियड में आप अपना अंगूठा का काम कैसे करवाएंगे, यानी कि आपका फिंगर काम करे उसके लिए आप सोल्यूशन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जो कि आपका फिंगर जो है अनलॉक कर दिया होगा, या तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो कैसे पता करेंगे कि आपका फिंगर अनलॉक है या वेरीफाई करना है, जो कि आप यह दोनों प्रॉब्लम आप अपने घर बैठे ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एम आधार, यानी कि आपको प्ले स्टोर में यह मिल जाएगा और यहाँ पे एम लिखेंगे और आधार टाइप करेंगे। एम आधार जैसे ही टाइप करेंगे सबसे टॉप में आ जाएगा और यह एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। एंड यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं स्किप कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको किस तरह से आपको लॉगिन करना है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटी इस एप्लीकेशन में दिया गया है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ पे आई कंसेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यह एप्लीकेशन में आपको अकाउंट बनाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे रहने देंगे। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही रहने देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट किया, डन किया। एंड यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। वह मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो, वही नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने का फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करें। तो यहाँ पे आपको नंबर पे ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने का फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सक्सेसफुल होते ही आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा यह एप्लीकेशन। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर माई आधार, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 5 डिजिट का आपको पिन बनाना है, तो यहाँ पे अपना 5 डिजिट का पिन बना लेंगे। एंड फिर से कंफर्म करेंगे एंड यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यह कैप्चा है, यह कैप्चा आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने का फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई है, वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका आधार कार्ड इस तरह से आपका शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट काम नहीं करता हो तो उसके लिए आपको सोल्यूशन इसी एप्लीकेशन में करना है, जो कि यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे आधार कार्ड नंबर शो हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक जो है लॉक है एंड यहाँ पे आधार जो है ओपन है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है, एक है जो कि बायोमेट्रिक लॉक यानी कि आपका फिंगर काम करना बंद हो जाएगा, एक है जो कि आपका आधार कार्ड लॉक, तो आपका ओटीपी भी नहीं गिरेगा और आपका फिंगर भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको अगर रेड कलर में दिखे तो उसे आपको हरा कलर में करना है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लॉक खुला हुआ है और यहाँ पे रेड कलर में लॉक लगा हुआ है, तो मेरा फिंगर काम नहीं करता है। अगर आपका इस तरह से आपका शो हो तो आपका फिंगर इसे ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अनलॉक करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक बायोमेट्रिक और यहाँ पे डिसेबल बायोमेट्रिक लॉक, तो यहाँ पे अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिखकर आ जाएगा और यह कैप्चा आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओटी है, ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद ओटीपी टाइप करने का फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है फिंगरप्रिंट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक हट चुका है और यहाँ पे टाइमिंग भी बता दिया गया है कि आपको 9 मिनट के बाद आपका फिंगरप्रिंट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करता हो तो इस तरह से आप इसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैनल के बाद चाहे